में कह रहा है कि 200 माइक्रो फेरेड की एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसके बीच की प्लेट की जो सेपरेशन है वो है 5 mm, इज चार्ज्ड बाय 100 वोल्ट डीसी सोर्स। उसे 100 वोल्ट के डीसी सोर्स से चार्ज किया जा रहा है। इट रिमेन्स कनेक्टेड टू द सोर्स, और वो सोर्स से कनेक्टेड ही है। यूजिंग एन इंसुलेटेड हैंडल, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल्ड एट द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस 5 mm एंड द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 10 इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट। उसके बाद हमने क्या करा, एक इंसुलेटेड हैंडल की हेल्प से उन प्लेट के बीच के सेपरेशन को डबल कर दिया। डबल करने के बाद हमने क्या करा, उस प्लेट के बीच में एक 5 mm थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, ठीक, जिसकी डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट थी 10। एक्सप्लेन द रीजन हाउ द कैपेसिटेंस, सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर विल चेंज। मतलब कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट और एनर्जी डेंसिटी पे क्या चेंज आएगा, ये हमें बताना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि सोर्स कनेक्टेड ही है। इससे पहले जो मैंने एक क्वेश्चन अपलोड किया है उसमें क्या है कि सोर्स डिस्कनेक्ट हो गया है। अगर आप चाहो तो वो भी वीडियो देख सकते हो कि उसमें सोर्स अगर डिस्कनेक्ट हो जाए और उसके बाद अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करें तो क्या फर्क पड़ेगा, वो आप उसको वीडियो में देख सकते हो, ठीक। चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या क्या गिवन है, 200 माइक्रो फैरेड की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी प्लेट सेपरेशन 5 mm है। चलो अब जो जो चीजें हैं, पहली तो एयर के लिए है ना, तो लिख लेते हैं। तो एयर में ना नॉट करके लिखता हूँ, जैसे जब एयर है, जिस टाइम वो एयर फिल्ड है उस समय कैपेसिटेंस है सी नॉट इक्वल टू 200 माइक्रो फैरेड, 200 माइक्रो फैरेड, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है डी, वो है 5 mm, इसे मीटर में लिख लेते हैं, 5 × 10⁻³ मीटर, और वोल्टेज कितनी है, वी नॉट इक्वल टू 100 वोल्ट, ठीक। इट रिमेन्स कनेक्टेड टू द सोर्स। अब इसके बाद हमने क्या करा, इंसुलेटेड हैंडल से पकड़ के इसके बीच की सेपरेशन को डबल कर दिया, ठीक ना। अब इसके बाद हमने क्या करा, सेपरेशन को डबल करा तो डी डैश हम मान लेते हैं, इसका दूना कर दो कितना, 10 × 10⁻³ मीटर, डिस्टेंस डबल कर दिया हमने, ठीक। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस कितनी है, 5 mm, मतलब 5 × 10⁻³ मीटर, और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितनी है, के इक्वल टू 10, जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक। अब देखो सबसे पहले केस में एयर फील्ड वाले केस से एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक ना। एयर फील्ड वाले में क्या होता है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये एयर फील्ड वाले के लिए फॉर्मूला है, ये इक्वल का आपने ध्यान रखना, ये इक्वल टू यही होना चाहिए, ठीक ना। अब देखो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, सी कितना है 200 माइक्रो फैरेड, मतलब 200 × 10⁻⁶ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, डी कितना है 5 × 10⁻³। अगर मैं इसे इधर भेजू तो ये कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू आ जाएगी 5 × 200 हो जाएगा 1000, 1000 × 10⁻⁹, इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक। अब इसके बाद हमने क्या करा, उस प्लेट के बीच का सेपरेशन जो है वो हमने बढ़ा दिया, बढ़ा के कितना कर दिया 10 mm, बढ़ा के कर दिया 10 mm, और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब ठूंस दिया हमने, और वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब कितनी, के इक्वल टू 10 की, और उसकी थिकनेस कितनी है 5 mm, ठीक ना। देखा ना, ठूसने का लैंग्वेज, ऑग एंड द कॉकरोचेस, ले मुन्ना ठूस ले इसे, ठीक ना। तो हमने क्या करा, प्लेट के बीच में 5 mm थिकनेस के एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ठूस दिया, ठीक ना। अब इसके बाद इसकी न्यू कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हो जाएगा सी डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाय न्यू सेपरेशन कितना डी डैश, अब उसमें से स्लैब की थिकनेस को माइनस करना है हमें, और उसमें ऐड कर देना है टी बाई की, ठीक ना। स्लैब की थिकनेस को माइनस करो और उसमें ऐड कर दो कितना, इसकी थिकनेस अपॉन डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, क्लियर ना। तो सी डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, वो कितनी आ गई 1000
इंटू 10 की पावर -9 अपॉन डी कितना है 10 और थिकनेस कितनी है 5 प्लस 5 बाय 10 सब कुछ मिलीमीटर में है तो 10 की पावर -3 को बाहर ले लेते हैं, इससे ये कैंसिल तो 10 की पावर -6 ऊपर बचा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 10 -5 5 और 10 का डिवाइड देंगे 0.5 मतलब 5.5 तो सीडेस कितना आ गया 1000 इंटू 10 की पावर -6 बाय 5.5 नहीं ठीक है कोई गड़बड़ नहीं हुई है, मुझे लगा कुछ गड़बड़ होगी शायद। तो इसे मैं अगर 5 से कैंसिल करूं तो कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 1.1 पॉइंट हटाएंगे एक जीरो बढ़ा देंगे मतलब 2000 बाय 11 माइक्रोफेरेड। तो सी डैश कितना आ गया 2000 बाय 11 माइक्रोफेरेड। क्लियर। और अगर इसे सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो ये कितना आ जाएगा 181.18 माइक्रोफेरेड। क्लियर। तो ये न्यू कैपेसिटेंस हमारी ये आ गई। अब देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी E0 = V0/B। वी नॉट कितनी है इनिशियली 100 वोल्ट और इनके बीच का सेपरेशन कितना है D = 5 × 10 की पावर -3 इससे हो गया ये 20। तो ई नॉट कितना ई नॉट आ गया 20 × 10 की पावर 3 वोल्ट पर मीटर। क्लियर। अब देखो अब इसके बाद डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब आप इंसर्ट करोगे तो सोर्स क्या है कनेक्टेड ही है अभी तो कनेक्टेड है तो थोड़ा केस बदल जाएगा। अब वोल्टेज में तो चेंज आएगा नहीं क्योंकि सोर्स कंटिन्यूअसली कनेक्टेड है, सोर्स डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वोल्टेज में चेंज आ जाता है तो वोल्टेज वही रहेगी। ठीक। अब चेंज क्या होगा तो इनके इसके नीचे जो सेपरेशन जो है ना अब ये डी इफेक्टिव वाला आएगा, इफेक्टिव डी डैश भी नहीं ना ही डी। अब स्लैब डालने के बाद ना तो डी आएगा ना डी डैश आएगा तो अब आएगा क्या, तो अब हमें डी इफेक्टिव रखना है, डी इफेक्टिव मतलब यही पूरा ठीक ना। तो अब न्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी E डैश इक्वल टू वी नॉट बाय डी डैश माइनस टी प्लस टी बाय के, ऐसा ही ना ठीक सेम टू सेम हमने पुट कर दिया। अब वी नॉट कितनी 100 अपॉन डी डैश कितनी 10 माइनस 5 + 5/10 इंटू 10 की पावर -3 तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 5.5 अभी तो ये पुरानी कैलकुलेशन है 10 की पावर 3 पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ इसे कैंसिल कर दो कितना हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा हमारा 11 200 बाय 11 इंटू 10 की पावर 3। अब मैं इसे और कैसे लिख सकता हूँ E' को E' इक्वल टू 10/11 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 20 × 10 की पावर 3 20 × 10 की पावर 3 इनिशियल वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है हमारी। तो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड E' इक्वल टू क्या आ गई 10/11 टाइम्स ऑफ E नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई 10/11 टाइम्स हो गई इनिशियल वाले की, ये चेंज आया। चलो अब एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। ठीक। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है U' = ½ εo E नॉट का स्क्वायर और डाइलेक्ट्रिक थूकने के बाद क्या आएगा इसे U रहने देते हैं इसे ले लेते हैं U' और अब डाइलेक्ट्रिक थूकने के बाद की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो
बाय 11 ई नॉट का स्क्वायर, तो 10 बाय 11 का स्क्वायर बाहर लेंगे तो यू डैश इक्वल टू आ जाएगा 100 बाय 121 इंटू 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर। क्लियर ना? अब देखो ये आ गया, तो ये पुरानी एनर्जी डेंसिटी है, तो यू डैश कितना आ गया 100 बाय 121 टाइम्स ऑफ यू इनिशियल, ठीक ना? तो एनर्जी डेंसिटी 100 बाय 121 टाइम्स हो गई इनिशियल की। क्लियर ना? अरे घट गई है ना, 100 बाय 121 डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब वैल्यू छोटी हो जाएगी, है ना? इनिशियल से थोड़ी एनर्जी डेंसिटी भी कम हो गई। अब कैलकुलेट करने का अगर कीड़ा काट रहा हो तो थोड़ा कैलकुलेट भी कर लो, कोई बात नहीं, ठीक ना? अरे बुरा मत मान जाना कीड़ा वीड़ा की बात, तो ये क्लियर है ना? क्यों मुन्ना?